जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, श्रीनगर और कटरा में कांग्रेस, पीडीपी और एनसी पर हमला बोला। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा, कहा अब जम्मू कश्मीर इन तीन परिवारों के कब्जे में नहीं रहेगा, आज नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं पेन है। श्रीनगर के बाद कटरा में कांग्रेस पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। रैली के बाद किया रोड शो। कटरा की रैली में पीएम मोदी ने भी किया उसका जिक्र, कहा कांग्रेस और एनसी का घोषणा पत्र देखकर पाकिस्तान में बल्ले बल्ले बोले, दुनिया की कोई ताकत नहीं लौटा सकती है धारा 370। अनुच्छेद 370 को लेकर पाक मंत्री के बयान पर अमित शाह का निशाना, कहा कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और सोच एक जैसे। पाक मंत्री के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान क्या कहता है हमें क्या पता, मैं पाकिस्तानी नहीं भारत का नागरिक हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा, कहा पहले भी एनसी के लोग राय मशवरे के लिए जाते थे पाकिस्तान, 30 साल तक कश्मीर में रही अराजकता। 21 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आतिशी, साथ में 5 और विधायक भी बनेंगे मंत्री। कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ, एक मंत्री पद फिलहाल खाली। यूपी में सीएम योगी और अखिलेश में नई तकरार, मुख्यमंत्री ने कहा पहले बबुआ अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, तब समाजवादी पार्टी से जुड़े माफिया की चलती थी सरकार। सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार, कहा मेरी भी तस्वीर देख लें और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर भी देख लें, बता दो कौन लगेगा माफिया। बिहार के नवादा अग्निकांड को लेकर सियासत तेज, सीएम नीतीश ने दलितों के घरों को जलाने पर जताया आक्रोश, सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा अब की डबल इंजन पावर सरकार में दलितों को जला दिया गया उनके घरों को, एनडीए को बिहार की नहीं अपराधियों की चिंता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का इशारों में आरजेडी पर वार, कहा जमीन के कारोबार से जुड़े यादव जाति के लोग दलितों को बना रहे निशाना। हरियाणा में बीजेपी ने 20 वादों के साथ जारी किया संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी का वादा, 24 फसलों पर एमएसपी का भी भरोसा। हरियाणा में संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा हमने 2014 में जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए, हम करेंगे प्रदेश का कायाकल्प। खड़गे को जवाबी खत में जेपी नड्डा ने लिखा 10 सालों में पीएम मोदी को पड़ी 110 गालियां, सोनिया राहुल पर भी साधा निशाना। 100 दिन में सहकारिता मंत्रालय के लिए लिए गए फैसले पर मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सहकारिता का विशेष स्थान, 2 लाख नई सहकारिता होंगी रजिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का प्लान आया सामने, क्वाड सम्मेलन में लेंगे भाग, राष्ट्रपति बाइडेन से भी द्विपक्षीय मुलाकात लेकिन ट्रंप से मीटिंग पर सस्पेंस। बंगाल के हावड़ा में सीएम ममता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत और बचाव काम के निर्देश दिए। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत की जबरदस्त वापसी, पहले दिन पहली पारी में 144 रन पर ही 6 विकेट गंवाने के बाद स्कोर 339 पर पहुंचा। आर अश्विन ने जड़ा नाबाद शतक, महज 112 गेंद पर बना चुके हैं 102 रन रविंद्र जडेजा के साथ, 7वें विकेट के लिए 195 रन की अटूट साझेदारी। जडेजा ने भी बल्ले से दिखाया कमाल, 86 रन बनाकर क्रीज पर डटे। यशस्वी जायसवाल ने खेली 56 रनों की पारी, नहीं चला कप्तान रोहित कोहली और शुभमन कमल।